जय शनिदेव। प्रिय भक्तों, मैं स्वामी राजर्षि आप सभी व्यूअर्स का हमारे इस चैनल गुरु रजनी शिशि जी पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, जहाँ हमारी आज की चर्चा का विषय है कि ये जो समय है आपके कार्यस्थल की दृष्टि से, आपके वर्कप्लेस की दृष्टि से, आपके व्यापार की दृष्टि से, आपके नौकरी की दृष्टि से किस प्रकार रहने वाला है। इस समय में बहुत से ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका जो शुभ अशुभ प्रभाव है उसकी आज हम विस्तार से चर्चा इस प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। भक्तगणों, ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा समय आपके लिए इंटरव्यू देने के लिए या अपने वर्क प्लेस पर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए सबसे ज्यादा भाग्यशाली है। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर सुनिएगा। भक्तगणों, हमेशा की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट्स में जय शनिदेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। भक्तगणों, एक विशेष सूचना और देना चाहूंगा कि इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय भी बताऊंगा जो आपके लिए इस महीने को और ज्यादा बेहतर बना देगा। आपके कार्य की दृष्टि से, वर्क प्लेस की दृष्टि से कोई इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आ रहा है तो उसके लिए क्या करने की आवश्यकता है, उससे संबंधित एक छोटा सा उपाय जरूर बताऊंगा वीडियो के अंत में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ भक्तगणों, ये भी आपसे कहूंगा कि यदि जीवन में कोई भी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, आपका व्यापार मंदा चल रहा है, कस्टमर्स कम आते हैं, या फिर आपका पैसा मारकर बैठ जाते हैं, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है, इंटरव्यू देने के बावजूद भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो एक बार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे यानी कि स्वामी राजर्षि से जरूर कराएं। हम विस्तार से आपको ऐसे उपाय जरूर बताएंगे जिनसे जल्द से जल्द मनचाही नौकरी आपको प्राप्त हो या फिर आपका व्यापार पुनः पटरी पर लौट आए और आप दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति करें। इसके लिए बहुत सरल सा प्रोसीजर है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आपको हमसे संपर्क करने की आवश्यकता है। चलिए भक्तगणों, अब बिना विलंब किए आज के इस प्रोग्राम को हम प्रारंभ करते हैं। आगे अगर हम चर्चा को बढ़ाएं तो यहां पर हम बात करेंगे कि आपकी कर्मों की दृष्टि से समय कैसा है जुलाई 2022 में। कर्म यानी कि जॉब, साथ साथ आपका प्रमोशन, आपके ट्रांसफर्स, आपके आप नई जगह पे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी, सब कुछ हम दशम भाव से यहाँ पर देखकर आपको फल बताएंगे। तो देखिए, यहाँ पर धनु राशि के जातकों के लिए एक विशेष योग भद्र योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में बुध अपने ही घर मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे महीने में 2 से लेकर 15 जुलाई तक। अब क्योंकि वो अपने घर में विराजमान है और यहाँ पर दशम के भी स्वामी है और सप्तम के भी स्वामी है, यानी कि बिजनेस और व्यापार के भी स्वामी है, आपकी जॉब के भी स्वामी है, तो दर्शाता है कि यहाँ पर अच्छा फल देखने को प्राप्त होगा, आपको अच्छा फल देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिन जॉब्स के लिए आप इंटरव्यू अगर दे रहे हैं तो उनमें आपको सफलता मिलने के जो चांसेस हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बुध से संबंधित उपाय करने से भी आपको फायदा हो सकता है। तो देखिए, बुध से संबंधित उपाय कौन कौन से हैं? तो बुध से संबंधित उपाय है, आप हरे रंग के कपड़ों को ज्यादा फेवर करें। अगर आप कोई इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग करने जा रहे हैं या कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं, अगर आप इंटरव्यू भी देने जा रहे हैं तो ग्रीन कलर के कपड़ों को आप ज्यादा फेवर कीजिए, आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुणे आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ आप सभी के लिए एक शक्तिशाली चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को लेकर। यह सुदर्शन लॉकेट जो आप अपने गले में धारण करके अपने जीवन में सभी प्रकार की परेशानियों को धीमे धीमे करके दूर कर सकते हैं। इस सुदर्शन लॉकेट के अंदर सभ्यस्त नवग्रह देवताओं का रतन या उपरतन लगा हुआ है। प्रत्येक रतन उस ग्रह देवता के तांत्रिक बीज मंत्रों के द्वारा स्वयं मेरे द्वारा अभिमंत्रित है, प्राण प्रतिष्ठित है और जागृत है। साथ ही साथ इसके नीचे जो भगवान विष्णु के
सुदर्शन चक्र का प्रतीक इस पृथ्वी पर उपस्थित रतन है जिसे हम गोमती चक्र के नाम से जानते हैं। ये गोमती चक्र भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का प्रतीक है जो आपकी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करने में समर्थ है। इस शक्तिशाली गोमती चक्र वाले सुदर्शन लॉकेट को धारण करने वाला व्यक्ति धीमे धीमे करके अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर करते हुए अपने जीवन में सुख शांति सौभाग्य और आनंद की प्राप्ति करता चला जाता है, अपने जीवन में खुशियां प्राप्त करता चला जाता है। धीमे धीमे करके उसकी समस्त प्रकार की परेशानियां दूर होती चली जाती हैं। तो वो सभी व्यक्ति जो मेरा वीडियो देखते हैं वो तो बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, मेरे वीडियो के बीच में आप ही लोगों के बहुत सारे वीडियो लगे होते हैं जिसमें आप जैसे भाई बहन बोल रहे होते हैं कि उन्होंने मेरे द्वारा दिए गए उपाय से किस प्रकार से अभूतपूर्व फायदा उठाया है, उनकी परेशानियां किस प्रकार से अभूतपूर्व रूप से दूर हो गई हैं और वो निरंतर तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यह सब परमपिता परमात्मा की उस साधना के फल स्वरूप है जो मैं पिछले 32 वर्षों से उनके मंत्रों की विभिन्न मंत्रों की साधना नित्य प्रति करता हूं। उस साधना के फल स्वरूप मेरे को जो शक्ति प्राप्त हुई है उसी शक्ति से यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट को मैं मंत्र सिद्ध करता हूं, प्राण प्रतिष्ठित करता हूं और जागृत करता हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के लिए इस लॉकेट के साथ साथ उन सभी लोगों को लिए जो इस लॉकेट को खरीदेंगे उनको प्रभु साधना की अनुपम अनमोल पुस्तक जो आपको पूरी दुनिया में हमारे अलावा कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि इसका एक एक शब्द मेरे स्वयं के द्वारा रचित है। जिस साधना को मैं पिछले 32 वर्षों से कर रहा हूं वही साधना अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आकर मैं आप सभी लोगों को सुपुर्द करता हूं ताकि आप इस साधना के बल पर अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की डायरेक्ट कृपा डायरेक्ट आशीर्वाद प्राप्त कर सकें और अपनी सभी प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकें। इस अद्भुत पुस्तक में जिसमें विभिन्न देवी देवताओं के विभिन्न प्रकार की साधनाएं प्रॉपर तरीके से बताई गई है, प्रॉपर साधना की डिटेल दी गई है, उस साधना के फलस्वरूप आप अपने जीवन में परमपिता परमात्मा की दिव्य कृपा निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। तो यह साधना की पुस्तक हमारे मंदिर की ओर से शनिपीठ मंदिर की ओर से निशुल्क वितरण के लिए है। जो व्यक्ति यहां आकर इस पुस्तक को फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं उन सभी का स्वागत है, वो बिना किसी झिझक के आकर ले जा सकते हैं। किंतु जो लोग खाली इस पुस्तक को घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए निश्चित रूप से एक पोस्टिंग पोस्टेज का कोरियर चार्जेज और शिपिंग और पैकेजिंग के जो खर्चे हैं वो उनको अवश्य ही देने पड़ेंगे। तो जो भी व्यक्ति इस अद्भुत और चमत्कारी सुदर्शन लॉकेट को अपने नाम की पूजा के अनुसार मंगवाना चाहते हैं, मंत्र से प्राण प्रति से जागृत जिसे मैं स्वयं करता हूं उसे घर बैठे प्राप्त करना चाहते हैं, तो बिना किसी झिझक के आप इस सुदर्शन लॉकेट के लिए हमें स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए डायरेक्ट मोबाइल ऐप पर भी जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं, जो स्क्रीन पर मोबाइल ऐप आ रही है एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप इस लॉकेट के लिए आप वहां पर रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यह दिव्य सुदर्शन लॉकेट आपको घर बैठे चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में रहते हो चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों ना रहते हो आपको अवश्य भेज दिया जाएगा। जय शनिदेव। मैं रुपेश पटेल बोल रहा हूँ गुजरात वलसाड से।
मैं गुरु माँ का वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। गुरु माँ ने बोला कि अपॉइंटमेंट देना पड़ता है, अपॉइंटमेंट दिया, इसके बाद लॉकेट भेजूंगा, लॉकेट भेजा, इसके बाद मेरे को 1 महीना, 1 महीने में मेरे को बहुत फायदा मिला, किसी की बुरी नज़र लग गई थी। गुरु माँ ने बोला कि लॉकेट पहनना पड़ेगा, लॉकेट पहना, 1 महीना और 1 महीने के बाद सब कुछ मेरे को अच्छा हो गया। बहुत बीमार भी था, आस्ते आस्ते सब बीमारी निकली, मेरा काम धंधा ही चलता था, आस्ते आस्ते मेरा काम धंधा भी चलने लग गया है। बहुत पैसा भी नहीं था, बहुत कंघी चल रही थी, आस्ते आस्ते सब कुछ दूर हो गया। किसी के पास में पैसा लेके गया था, फंस गया था, सबको मैं दे दिया हूँ, मेरा सब कुछ दूर हो गया है। गुरु माँ का भी बहुत अच्छा मिलता है। रिजन में डॉक्टर के पास गया, बहुत ज़्यादा बीमारी थी, डॉक्टर ने बोला वो गोली खा, कुछ गोली खाने भी के फ़ायदा नहीं मिला। मैं लॉकेट पेन पे रखा हूँ अभी 1 महीना हो, 1 महीने के बाद मुझे बहुत अच्छा मिला है, बहुत ज़्यादा खुशी की नज़र लग गई थी। आस्ते आस्ते सब कुछ गुरु माँ ने सब कुछ निकाल दिया है। घर में बहुत परेशान में थे, बहुत घर घर में खर गया था, मैं बहुत परेशान में था, लड़ाई झगड़ा में फंस जा रहा था। आस्ते आस्ते सब कुछ नहीं दूर हो गया, अब जा जाता हूँ बोलता वो कर वो कर, कुछ करने से फायदा नहीं, जा जाता हूँ बाधा बाधाएं आ जाती है, बोलता ये कर वो करने से भी कुछ फायदा नहीं है। अभी लॉकेट पहन के रखा, 1 महीना 1 महीने में सब कुछ अच्छा हो गया। जो मेरा वित्तीय दिखता है इसको भी बोलता हूँ गुरुआ से और गुरु आदमी से, एक बार जन्म कुंडली दिखा रहे, बहुत फायदा पड़ता है, मेरे को भी फायदा मिला है, बहुत अच्छा मिलता है। जय शनि देव गुरुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो विशेष उपाय जिसको करके यहाँ धनु राशि के जातक एक बेहतर समय की प्राप्ति कर सकते हैं। जुलाई 2022 में उनके समय को वो और बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, मैं कहूंगा यहाँ पर धनु राशि के जातकों के लिए जो सबसे फेवरेबल उपाय है वो ये रहेगा कि बुध को और मजबूत कर ले। पहले 15 दिनों में बुध बड़े ही मजबूत फलों के आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत मजबूत स्थिति में विराजमान है और उनके शुभ फलों की वजह से यहाँ पर, क्योंकि बुध और सूर्य दोनों ही साथ में बैठे हैं तो उन दोनों के ही शुभ फलों की वजह से आपको निश्चित तौर पर इस समय पर सफलता अधिक प्राप्त हो सकती है। तो सूर्य के लिए तो मैं कहूंगा कि आप सूर्य देवता को नित्य प्रतिदिन जल तो जरूर चढ़ा रहे होंगे, क्योंकि मैंने कई बार अपने वीडियोस में कहा है कि सूर्य देवता को जल चढ़ाने का एक महत्व अलग ही है। आप नित्य प्रतिदिन उन्हें जल या अर्घ जरूर प्रदान किया कीजिए, जिसके लिए आप तांबे का ग्लास प्रयोग किया कीजिए, उसमें आप थोड़ा सा गुड़ थोड़ी सी रोली जरूर डाला कीजिए और सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए उनके बीज मंत्रों का जाप आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो सूर्य देवता का जो बीज मंत्र है ओम राम ह्रीम रोम सह सूर्याय नमः, ये बीज मंत्र आप जब जाप करें सूर्य देवता को जल प्रदान करते हुए तो निश्चित तौर पर आपको फायदा पहुंचाता है। इसी के साथ साथ मैं कहूंगा कि ग्रीन कलर के कपड़ों को आप इस समय पर ज्यादा तवज्जो दें। ग्रीन कलर के कपड़े आपको सूट कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र पर कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो, कुछ भी इंपॉर्टेंट कार्य हो, वहां पर ग्रीन कलर के कपड़े पहनकर जाना आप लोगों के लिए सूटेबल रहने वाला है। चलिए भक्तों, मैं आप लोगों को अब दोबारा एक बार जनता दरबार की सूचना को दोहरा रहा हूँ। तो देखिए, जनता दरबार जो है वो यहाँ पर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में गुरु रजनी शिशि जी, गुरु मां रुक्मणी जी और मैं स्वामी राजेशी आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, ताकि आपकी जो परेशानियां हैं, आपके जीवन में आ रहे जो भी विकार हैं, कलेश हैं, उनको हम लोग दूर कर सकें और पैसों की तंगी होने के बाद भी आप कहीं ना कहीं अपने जीवन में ज्योतिष के फल प्राप्त कर सके, ज्योतिष के उपायों का प्रयोग कर सके, इसीलिए ये जनता दरबार लगाया जा रहा है। यहाँ पर मुफ्त में कोई भी जातक आकर, कोई भी भक्त आकर अपने लिए ज्योतिष परामर्श प्राप्त कर सकता है। ये जनता दरबार हर गुरुवार, हर शनिवार, हर रविवार को आपकी सहूलियत के लिए हमने ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली में लगाया हुआ है। यहाँ पर आकर आप शिरकत कीजिए। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर संपर्क करके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए भक्तों, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, बराबर रूप से आपको सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती रहे। इसी मनोकामना के साथ अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी अगले महीने, तब तक के लिए जय शनिदेव।